तो दोस्तों, क्या आप अपने घर का इंजीनियर खुद बनना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। आज मैं आप लोगों को जो भी चीज बताने वाला हूं, आज से आप लोग खुद अपने घर का इंजीनियर कहलाने वाले हो। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा कि घर को कैसे बनाते हैं। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि घर को कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ओनली फुटिंग के बारे में जानेंगे कि फुटिंग को कैसे ड्रॉ करते हैं, फुटिंग को कैसे हम लोग बनाते हैं, फुटिंग का साइज क्या देते हैं, फुटिंग में हम लोग कॉलम का कितना साइज देते हैं, इन सभी चीज को हम लोग फुल डिटेल में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, सामने आपके वीडियो भी चलेंगे, उससे क्या होगा कि हम लोगों का डबल फायदा होने वाला है। डबल फायदा का मतलब हो गया कि मैं आपको बताऊंगा भी और साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो भी चलेगा, तो ये एक तरह का लाइव हो जाएगा जिससे कि हम लोगों का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो पाएगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो से बने रहना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का पहले स्वागत कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने वीडियो की तरफ। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टडीपी चैनल में। तो दोस्तों, फुटिंग बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे डाउट जो है क्लियर कर देता हूँ। जब भी हम लोग घर बनाना शुरू करते हैं तो पहले उस जमीन का हम लोग या तो किसी इंजीनियर से हम लोग उसका नक्शा तैयार करवाते हैं या किसी ठेकेदार या मिस्त्री को बुलवा के उससे हम लोग कुछ राय विचार लेते हैं। जब हम लोगों का राय विचार और नक्शा बन जाता है, उसके बाद हम लोग उस जमीन का लेआउट करते हैं उस नक्शा के आधार पे, मतलब मैप के आधार पे हम लोग उस जमीन का लेआउट करते हैं। बहुत लोगों को लेआउट का मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो लेआउट का मैं आप लोगों को समझा दूँ तो जो भी प्लान या नक्शा में जो भी चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, जैसे बेडरूम, किचन, बाथरूम, ये सब प्रोवाइड किया जाता है, उसी का हम लोग उस जमीन में लेआउट कर लेते हैं। लेआउट करने के बाद हम लोग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। लेआउट कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो धागे से बांधकर उसको लेआउट करने के बाद जो चूना होता है, आप लोगों ने चूना देखा होगा, वाइट चूना से उस पर लाइनिंग दे दिया जाता है, जिससे कि हम लोगों का बाद में धागा अगर हट भी जाता है तो उससे हम लोगों का स्पर्श वहाँ पे दिखाई दे सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फुटिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने लेआउट को जान लिया कि लेआउट करने के बाद हम लोग जो भी यहाँ पे आपको चूना से जो लाइनिंग क्रिएट करते हैं, मतलब लाइनिंग जो बना लेते हैं, उसे हम लोग फुटिंग का जो स्लैब का साइज होता है उसका भी हम लोग लाइनिंग वहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग उस जगह पे जो है एक्सकावेशन करते हैं, मतलब मिट्टी को खोदते हैं। खोदने के और यहाँ पे मैं आप लोग बता दूँ तो मिट्टी को हम लोग जो मिनिमम आप खोद सकते हो 3 फीट से लेके 9 फीट तक मैक्सिमम आप रख सकते हो। तो जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे जो भी आपको वीडियो चल रहा होगा, तो इस वीडियो में आप लोग जो देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में जो भी मिट्टी को खोदा गया है वो 5 फीट तक खोदा गया है। 5 फीट खोदने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नीचे में आपका ब्रिकवर्क किया गया है। यहाँ पे आप लोग दो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपके पास बजट है तो आप नीचे में PCC वर्क करवा सकते हो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसको कहते हैं, नहीं तो आप ब्रिक को बिछाकर आप वहाँ पे स्लैब प्रोवाइड करा सकते हो। ये कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग स्लैब का जो स्टील बार होता है उसको तैयार करते हैं। और स्लैब का जो स्टील बार हम लोग यूज करते हैं, जनरली जो भी स्टील बार हम लोग यूज करते हैं, बिल्डिंग के लोड के हिसाब से हम लोग स्टील बार का वहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो स्टील बार यूज किया गया है वो 10 mm का स्टील बार नीचे में यूज किया गया है, 10 और 12 का। जनरली जो भी घर हम लोगों का रेजिडेंशियल के लिए हम लोग बनाते हैं, वो हम लोगों का यहाँ पे स्टील बार यूज जो करते हैं, जितना भी फ्लोर आप बढ़ाते हो वहाँ पे आपका लोड जो है बढ़ते जाता है, लोड के हिसाब से आपको वहाँ पे स्टील बार का यूज करना होता है। अगर आप G+5 बनाते हो उसमें जो स्टील बार आपका यूज होगा वो 16 mm का स्टील बार आपको यूज करना होगा। जब हम लोग स्लैब का जब स्टील हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो कॉलम का साइज रखते हैं वो 10 इंची बाई 10 इंची रखते हैं। डिस्प्ले पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका अगर ग्राउंड फ्लोर के लिए बनाते हो तो 9 इंची बाई 9 इंची का हम लोग बनवाते हैं। वही आपका G+1 के लिए दूसरा हो जाता है, फिर G+
2 के लिए, G+3, G+4 के लिए, G+5 के लिए यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गया है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलम बनाया जाता है। तो ये हमारा बिल्डिंग बाय लॉ के हिसाब से बोला जाता है। लेकिन आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि अगर हमारा जो घर बिल्डिंग बाय लॉ के हिसाब से बनेगा तो हमारा घर इतना बड़ा नहीं दिखेगा, इतना छोटा दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका कॉलम का जो यहाँ पे स्टील बार हम लोग यूज करेंगे, वो आपका स्टील बार जो है आपके बिल्डिंग के लोड के हिसाब से आपको कॉलम का स्टील बार यूज करना होगा। तो जनरली जो हम लोग रेसिडेंशियल के लिए यूज करते हैं वो आपका 10 इंची बाई 10 इंची का हम लोग कॉलम प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो हम लोग स्टील बार यूज करते हैं वो 12 mm का स्टील बार यूज करते हैं, 500 यूज करते हैं। और उसमें जो स्टीरअप बार हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग 8 mm का स्टीरअप बार हम लोग यूज करते हैं। और एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप का जो गैपिंग होता है वो 6 इंची हम लोग रखते हैं। और जो स्टीरअप को बांधने के लिए हम लोग जिस चीज़ से बांधते हैं अपने लोहा तार जिसको बोलते हैं उससे बांधा जाता है, जैसा कि आप लोगों ने साइट पे देखा भी होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जो भी हम लोगों का स्टील स्ट्रक्चर जो तैयार होता है, मतलब स्टील जो प्रोवाइड करते हैं, वो अगर आप 10x10 का अगर कॉलम बना रहे हो तो वहाँ पे आपका जो स्टील बार बनेगा वो 7x7 का बनेगा, जिसमें 3 इंची जो है हम लोगों का जो कंक्रीट होगा वो बाहर की तरफ आएगा, 1.5 इंची इधर इस साइड में, 1.5 इंची इस साइड में, मतलब चारों तरफ 1.5 इंची आएंगे। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फुटिंग में भी दो प्रकार के फुटिंग होते हैं, वो एक होता है सेंट्रिक फुटिंग और दूसरा होता है इसेंट्रिक फुटिंग। सेंट्रिक फुटिंग जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे, जो आपका कॉलम होता है अगर आपके स्लैब के बीच में आपका कॉलम स्ट्रेट जा रहा है तो उस फुटिंग को हम लोग सेंट्रिक फुटिंग कहते हैं। वही इसेंट्रिक की मैं बात करूँ तो इसेंट्रिक में भी आपका दो प्रकार का फुटिंग आता है। पहला आता है यूनिएक्सियल और दूसरा आता है बाईएक्सियल। यूनिएक्सियल की मैं बात करूँ तो यूनिएक्सियल उसे कहते हैं जो आपका कॉलम होता है वो वर्टिकल के सेंटर में प्रोवाइड होता है, उसी को हम लोग यूनिएक्सियल फुटिंग कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाईएक्सियल की मैं बात करूँ तो जो हमारा फुटिंग जो है कॉर्नर में आता है, जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख पा रहे होंगे, इसे हम लोग कहते हैं बाईएक्सियल फुटिंग। तो ये जो टाइप है हम लोगों का दो टाइप, ये हम लोगों का इसेंट्रिक में आता है। और जो भी हम लोग घर जब भी हम लोग बनाते हैं तो इन सभी कॉलम का हम लोग साइट पे यूज भी करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कहीं ना कहीं इसेंट्रिक फुटिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं तो जो भी हम लोगों का घर जो होता है सेंट्रिक तो हम लोग बीच में प्रोवाइड कर देते हैं, साइड में हम लोगों का सेंट्रिक प्रोवाइड नहीं हो सकता है। अगर हम लोग सेंट्रिक प्रोवाइड करेंगे तो फिर हम लोगों का उधर ज़मीन भी छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग जमीन न छोड़ने के कारण हम लोग वहाँ पे क्या फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, इसेंट्रिक फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। इसेंट्रिक फुटिंग में क्या होता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूट जो है थोड़ा अच्छा से नहीं हो पाता है एज ए कंपेयर सेंट्रिक से, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो जो कॉलम का जो जैसा कि आप लोग लेग देख पा रहे होंगे सेंट्रिक में, तो बीच में अगर आप कॉलम प्रोवाइड कर रहे हो तो चारों तरफ उसमें लेग प्रोवाइड किया जाता है और उस कॉलम का जो लेग होता है उस लेग का जो साइज रखा जाता है वो मिनिमम आपका 1 फीट से लेके 1.5 फीट या 2 फीट तक रखना होता है, जिससे कि हम लोगों का कॉलम जो है एकदम स्ट्रेट हो। जब हम लोग कंक्रीट उसमें फिल करेंगे तो उस समय हम लोगों का कॉलम हिलना डोलना नहीं चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी चीज़ जो है हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें आप लोगों को कंक्रीट कितने ग्रेड का यूज करना है। अब बहुत लोगों को ग्रेड नहीं पता होगा कि ग्रेड किसको कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड का मतलब ये होता है कि एक फिक्स अमाउंट में किसी भी चीज़ का यूज करके उसको बनाना। तो इसमें जो हम लोग ग्रेड जो यूज करते हैं कंक्रीट का वो M20 ग्रेड का हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं। M20 ग्रेड का मतलब हुआ मिक्सचर, M मतलब मिक्सचर और 20 जो है स्ट्रेंथ है इसका, ठीक है। M20 का जो रेशियो होता है 1:1.5:3 होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो 1:1 जो होता है मतलब 1:1 जो है हम लोगों का मतलब यहाँ पे सीमेंट हो गया, 1.5:1 हम लोगों का सैंड हो गया मतलब बालू हो गया, 3:1 जो है हम लोगों का गिट्टी हो गया मतलब स्टोन, टेक्निकल वर्ड जो है एग्रीगेट उसको कहा जाता है। इस चीज़ को तैयार करने के बाद हम लोग M20 का ग्रेड का कंक्रीट बनाने के बाद हम लोग स्लैब को ढाल देते हैं। स्लैब को ढालने के बाद हम लोग कॉलम को भी ढालते हैं। आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है हमेशा
कि जब भी आप लोग मतलब स्लैब अपना तैयार करते हो या कॉलम तैयार करते हो तो उसमें वाइब्रेटर का यूज जरूर किया करो। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताना भूल गया, इसमें जो आपको शटरिंग जो यूज करना है, शटरिंग जो है आप तीन यूज कर सकते हो, या तो आप ब्रिक का शटरिंग यूज कर सकते हो, दूसरा जो है स्टील शटरिंग यूज कर सकते हो, और थर्ड जो है हम लोगों का या तो आप वुड यूज कर सकते हो नहीं तो प्लाई यूज कर सकते हो। तो जनरली जहाँ पे हम लोगों ने देखा है बहुत जगह क्या करते हैं, ईंट का शटरिंग यूज करते हैं, वो जो शटरिंग होता है वो थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला शटरिंग होता है। बेवकूफ़ी का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पास ईंट ही अवेलेबल है, आप ईंट का ही शटरिंग करना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा खर्चा करना है। क्या हार्डवेयर के दुकान में आपको पॉलोथीन मिल जाएंगे, मतलब आपको जो भी ढलाइया का पॉलोथीन होता है वो आपको उस दुकान में इजीली मिल जाएंगे, तो आपको वो पॉलोथीन खरीद के ले आना है और उसको चारों तरफ से उस पॉलोथीन मतलब कॉलम में आपको पॉलोथीन का यूज करना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो कंक्रीट होगा वो प्रॉपर फिल हो सके, ठीक है। फिल होने के बाद हम लोगों का जो भी कॉलम होगा वो स्ट्रेट आ जाए। ईट शटरिंग में क्या होता है कि जो भी हम लोगों का कॉलम होता है थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा के कारण हम लोगों का लोड में आगे चल के प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए अगर आपके पास ईंट हो तो ईंट में आपको क्या करना है, पॉलोथीन का यूज जरूर करना है। अगर आपके पास स्टील है तो स्टील में आपको कुछ भी चीज़ का यूज नहीं करना है, स्टील में आपका स्ट्रेट कॉलम बनता है। अगर आप लकड़ी भी यूज करते हो तो लकड़ी में भी आपको पॉलोथीन का यूज करना है। यूज करने के बाद आप जब भी कंक्रीट उसमें डालते हो उसको प्रॉपर, अगर आपके पास वाइब्रेटर नहीं भी है तो आपके पास जिसको बम्बू कहते हैं, बांस कहते हैं, बांस से प्रॉपर आपको उसमें कंप्रेस करना है जिससे कि उसमें हम लोगों का चारों तरफ से कंक्रीट फिल हो सके। अगर वो भी चीज़ नहीं है तो आपको वाइब्रेटर मंगवा लेना है, हैंड वाइब्रेटर भी अब आते हैं मार्केट में, ज़्यादा महंगा नहीं, आपको 2 से 3 हज़ार में मिल जाएंगे। अगर हैंड वाइब्रेटर यूज करते हो तो उससे हम लोगों का कॉलम बहुत अच्छे से तैयार होता है। इन छोटे छोटे बातों को ध्यान रखते हुए आपको घर को बनाना है। और जब हम लोग फुटिंग बना लेते हैं तो फुटिंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 दिन इसमें क्यूरिंग करना है, मतलब पानी आपको प्रॉपर डालते रहना है। पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सैंड फिलिंग करना है। मिट्टी अगर हो तो मिट्टी फिलिंग कर देना है, अगर आपका ज़मीन वहाँ पर कमज़ोर है तो आपको सैंड फिलिंग करना है, मतलब बलुई मिट्टी जिसको कहते हैं, बालू प्लस मिट्टी जो होता है वो आपका बेस्ट होता है। तो उसको वहाँ पे फिल करने से हमारा जो फुटिंग का स्ट्रेंथ होगा वो प्रॉपर मिल सकेगा। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं तो जो भी कॉलम का जो हम लोग यहाँ पे साइज के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब कॉलम में जो हम लोग स्टील बार यूज करते हैं उसके बारे में मैं आप लोग बता दूं, तो जनरली जो हम लोग कॉलम का जो स्टील बार यूज करते हैं वो 12 mm का यूज करते हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। अगर आपका मॉल फिर आपका हॉस्पिटल स्कूल कॉलेजेस क्रिएट करते हो तो उसका दूसरा रूल हो जाता है, ठीक है। वनली हम लोग रेसिडेंशियल के लिए देख रहे हैं तो उसका, इसलिए मैं आप लोगों को रेसिडेंशियल के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें जो रेसिडेंशियल के लिए हम लोग यूज करते हैं 12 mm का यूज कर सकते हो, 10 mm का यूज कर सकते हो। और दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को नहीं बता पाया, तो दोस्तों जो फुटिंग का जो स्लैब का साइज जो होता है मैंने आपको नहीं बताया, तो अगर आप ईंट का यहाँ पे स्लैब बनाते हो तो उसमें जो आपका स्लैब का जो थिकनेस होगा वो आपका 200 से 250 mm होना चाहिए, जो कि आपका 7 से 9 इंची होता है। वही अगर आप PCC वर्क करवाते हो तो वो आपका मिनिमम आपका 150 से 200 mm होना चाहिए, जो कि आपका 5 से 6 इंची का होता है। तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने फुटिंग के बारे में बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग बता दूं तो TDP का अब से रेगुलर वीडियो आने वाला है। TDP के द्वारा जो भी नक्शा बनाया जाएगा उस नक्शा के आधार पे जहां पे भी काम होगा उसका लाइव प्रैक्टिकल वीडियो शूट करके आया जाएगा, और उस वीडियो के मतलब उस नक्शा के हिसाब से आप उस वीडियो पे बताया जाएगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, TDP से ऐसे ही जुड़े रहना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे TDP चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन पे घंटे पे भी दबा लो ताकि आपको आने वाली ऐसे ही प्रकार की वीडियो आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोग बता दूं, अगर आपने TDP के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर जाके फॉलो करो, इसी टाइप का वीडियो मैं सोशल मीडिया पे जल्दी से पहले देता हूँ इन्फॉर्मेशन,
या कुछ किसी भी चीज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका वीडियो उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको सोशल मीडिया पे पहले देता हूँ, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यूट्यूब पे आ जाना है। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं तो TDP के द्वारा ऑटोकैड का सीरीज चलाया जाता है, अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाके देख सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो प्लिंथ का ब्रिकवर्क होता है वो कैसे होता है, फिर हम लोग उसमें टाई बीम कैसे प्रोवाइड करते हैं इसको हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सावधान रहें, ऐसे मिस्त्री लेबर और इंजीनियर से भी सावधान रहें, क्योंकि बहुत जगह इंजीनियर्स भी बदनाम हो जाते हैं। हाल ही का मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं एक साइट पे गया था तो वहां पे एक दो इंजीनियर पहले भी आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे गलत राय देके वो पार्टी का बहुत सारा लॉस करवाए हैं। तो मैं उन इंजीनियर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी भी पार्टी का आप मतलब अगर काम लेते हो तो उसको अच्छे से किया करो यार, क्योंकि घर जो है एक ही बार बनता है और घर सबका एक ड्रीम होता है। तो बस इतना ही कहूँगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।